तो जरा ये फूलों की वादी बस अच्छा सुनो तो जरा पता नहीं किसको सुना रहे जनाब शवाल की दलहूर मखुना बदखकार समझ कुछ नहीं आया क्या मतलब क्या ये तो मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा रिकॉर्डिंग दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद नेहाद यूं गुमा होता है गर्चे अभी सुबह फिराक ढल गया हिजर का दिन आ भी गई वसी की रात दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्जा है अच्छा मुझे बताएं आप थोड़ी देर पहले कुछ मुझे आके कह रही थी प्रोग्राम तो बढ़ गया Assalamualaikum नाज़रीन आप देख रहे हैं एंटर टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मलिक फाज जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग मौजूद हैं जनाब शुक्रान में और मैंने कहा क्यों ना कि हम लोग कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं तो इन खूबसूरत नज़ारों से आप लोग तमाम लोगों को क्यों ना लुत्फ़ानंदोज़ करवाया जाए और आप लोगों को यहाँ का एक तो माहौल दिखाया जाए और यहाँ पर जितने लोग आए हैं और कैसे वो इन्जॉय कर रहे हैं उनके दिली तासुरात उन्हीं की ज़बानी जाने जाएँ तो किस कदर प्यार से यह जाने जहाँ रखा है दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद नेहाद यूं गुमा होता है गर्चे अभी सुबह फिराक ढल गया हिजर का दिन आ भी गई वसल की रात दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहाँ लर्जा है तो आए जनाब जानते हैं लोगों से उनके दिली तासुरात अस्सलाम वालेकुम कहाँ से आए हैं जनाब सर मानसेरा से मानसेरा से स्नोफॉल एंजॉय करने आए जी सर ये बस स्टूडेंट थे दोस्त थे यूनिवर्सिटी के अच्छा अच्छा तो इन्होंने कहा कि स्नोफॉल देखने जाते हैं सही तो लेके तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके कैसी वाइब आ रही है सर बहुत मजा आ रहा है एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी जगह है सही बर्फ एंजॉय कर रहे हैं ये लोग ये आए हुए दोस्त हैं सारे ठीक है यहाँ पे तो आते वक्त रास्ते में बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं जीप पे आना पड़ता है जी सर हमने अपनी गाड़ी जो है नीचे ही खड़ी की है ठीक है तो बस ऊपर वाले रास्ते पे जीप पे आए हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा खराब था ना सही इस वजह से छोटी गाड़ी नहीं आ सकती जीप पे आए लेकिन अच्छा है अच्छा मुझे ये बताएं अभी इतने अच्छे सुहाना मौसम भी है दिलकश वादियाँ हैं पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है कुछ शेर वेर सुना दें कुछ दिली तासुरात बयान करें जरा कुछ गुनगुना दें कुछ सुनो तो जरा ये फूलों की वादी अच्छा सुनो तो जरा पता नहीं किसको सुना रहे जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम कैसे मिजाज हैं आपके बड़े खुश नजर आ रहे हैं वैसे भी ऐसे माहौल में इंसान आके खुशी हो जाता है वैसे मुझे सच्ची सी बात है कि भाई याद कौन आया यहाँ पे आए अच्छा अच्छा क्या शेयर करना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो है ना शिमाली वजीरिस्तान से हूँ अच्छा अच्छा वालों के लिए कोई पश्तो में शेर सुना दें आप अभी तो भूल गया क्या याद है वो सुना दें हाँ जी क्या कह रहे अच्छा कुछ गुनगुना दें यार अच्छा जी जनाब आप कुछ और लोग हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब जी जी वालेकुम कैसे मिजाज हैं आपके ठीक ठाक नाम क्या है भाई का कहाँ से मेरा नाम अमीन है खुदा और मैं शुमाली वजीरिस्तान से यहाँ से शुमाली वजीरिस्तान से ये मौसम एंजॉय करने के लिए आए हैं जी की तकरीबन कितना किलोमीटर बनता है नहीं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हजारा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है सही है तो पढ़ाई कैसे जा रही है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में दिल से लग रहे हैं लग रहा है हाँ। पढ़ा, किताबों के साथ हाँ, किताबों के साथ लग मैं भी यही कह रहा था वैसे जनरल भी लग रहा है आजकल अच्छा अच्छा वैसे जनरल भी लग रहा है अच्छा मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जितने भी शुमाली वजीरिस्तान के या जहाँ से ट्राइबल एरिया से जो भी है सही। हमें उसमें प्याम देना चाहता हूँ कि सब आए यहाँ पर एंजॉय करें सही ये एंजॉयमेंट की जगह है और हम भी अभी आए और एंजॉय कर रहे हैं सही है यहाँ सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी मुझे यहाँ की मौसम और बेसिकली यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे बहुत कोऑपरेटिव लोग है ये हमारे साथ ये ड्राइवर साहब भी आए ये बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा बंदा क्या कोई गुनगुनाएंगे कुछ शेर सुनाना चाहते हैं कुछ तो सुनाए ना भाई जी हमें पश्तो का एक शेर सुनाना चाहता हूँ जो कि आए भाई आप ही साथ तमाम लोग आए सपोर्ट करें हाँ जी आदिल दावड़ ने लिखा हुआ है हमारे एनडीएम का एक पार्टी है उसका मेंबर है कि पसपिनो वावरो की दतूर मखुना बदखकारी पसपिनो वावरो की दतूर मखुना बदखकारी रजमक शवाल के दलहूर मखुना बदखकारी समझ कुछ नहीं आया क्या
मतलब क्या था वैसे? ये इसके साथ मैं नाइंसाफी करूंगा, उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए नाइंसाफी कर दूंगा, मैं माजत खाऊं इसके लिए। अच्छा अच्छा, तो पहले बेवफाई करते हो फिर वफा की शिकायत करते हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। आप सुनाए, आप कैसे, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जो ऐसे मुस्कुरा रहा हूँ आप लोगों के सामने। अभी मुझे कुछ गुनगुनाने की आवाज आई थी, वो भाई आप थे? मेरा फोटो स्टेट था। अच्छा अच्छा, आपका फोटो स्टेट था। चलिए स्टेट तो हमारे पास ही है ना, चले आप कुछ ना कुछ गुनगुना दें। नहीं अभी खास कुछ मुझे कुछ याद नहीं है यार, ये कैमरे को देख के ऐसा हो रहा है, पहले तो आप गुनगुना रहे थे। अच्छा गुनगुना रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, पहले आपको नहीं पता था। अच्छा जी, हमें क्यूट सी बच्ची जो है यहाँ पे मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तो? वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, आप थोड़ी देर पहले कुछ मुझे आके कह रही थी प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये आपको किसने सिखाया है? ये मैंने खुद ही सीखा है। आपने खुद ही सीखा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा एटमॉस्फेयर है सर, कैसे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। सही, अच्छा फील तो अच्छा हो रहा है तमाम लोगों को। कोई मुझे अपने दिली तासुरात कोई नहीं पेश करने को तैयार है, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ शेर सुनाए, कोई गाना सुनाए, क्या कहना चाहेंगे? बस शुक्र है बच्ची के साथ आया हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, अच्छा फैमिली के साथ आए हैं? हाँ फैमिली के साथ। अच्छा फैमिली के साथ बंदा आए तो फिर एंजॉय कर लेते हैं? कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ फैमिली के साथ आना चाहिए। फैमिली के साथ आना चाहिए, जब पहले भी आए थे नहीं थे तो? मैं बस जूसी ये मारी साइड पे गया था। अच्छा अच्छा, मलमजवा साइड पे गया था। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम जी जी। ठीक है जी, ओके।